जय हिंद दोस्तों। काफी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम किस पेयर में ट्रेड करें, क्या हम सतोशी पेयर में ट्रेड करें या यूएसडीटी पेयर में ट्रेड करें, क्योंकि ये सवाल हमेशा मुझसे पूछा जाता है और काफी लोगों को इसमें डाउट भी होता है। तो इस सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि देखिए सतोशी पेयर में ट्रेड करने के अपने फायदे भी है, अपने नुकसान भी है। यूएसडीटी पेयर में ट्रेड करने के अपने फायदे अपने नुकसान है, लेकिन पर्सनली कुछ इसके अंदर ऐसे पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जिसके बाद आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने में आएगा कि भाई आपको एक्चुअल में ट्रेड कौन से पैर में करना चाहिए और कौन सा पैर बेस्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट भी करके एंड तक देखो। देखिए अगर हम सतोशी पैर की बात करते हैं, ओके, सतोशी पैर बेसिकली उसको उस पैर को कहा जाता है जो कि आपको जैसे आप देखती होंगी, जैसे मेरे को नियो में ट्रेड करना है तो नियो बीटीसी, राइट, इथेरियम बीटीसी, बेसिकली इसको सतोशी पैर कहा जाता है। सतोशी बिटकॉइन, एक बिटकॉइन जो पूरा 1 बिटकॉइन उसको बिटकॉइन कहते हैं, और बिटकॉइन से हाफ जो भी रहेगा उसको सतोशी कहा जाता है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, लोग हमेशा कंफ्यूज इसी में रहते हैं क्योंकि हम डॉलर तो खरीदते हैं, डॉलर के बाद हम कंफ्यूज इसमें रहते हैं कि यार अभी हमको यूएसडी पैर में ट्रेड करने में सेफ्टी मिलेगी या स्वदेशी पैर में ट्रेड करने में सेफ्टी मिलेगी। देखिए इस सवाल का जवाब इसी सवाल में है, वो कैसा, देखिए इस चीज को आप हमेशा याद रखो, आप पहले डिसाइड करो क्या आप ट्रेडिंग क्या बेस पर करना चाह रहे हो। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरा मेन एम है कि भाई मेरे को अपने बिटकॉइन को इंक्रीज करना है, राइट से, अगर मैं अपने बिटकॉइन को इंक्रीज करना चाहता हूं तो वहां पर मैं क्या करूंगा, सतोशी पेयर में ही ट्रेड करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को मेरे बिटकॉइन को बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा फायदा किस में रहेगा कि मैं अपना जो पेयर है वो सतोशी पेयर में जो ही ट्रेड करूंगा और अपना जो भी करेंसी रहेगा, जो भी करेंसी मैं यूज कर रहा हूँ उसको मैं डायरेक्टली बिटकॉइन में कन्वर्ट करूंगा और उसको डायरेक्टली अल्टकॉइन से ट्रेड करूंगा। इससे फायदा क्या होगा, एक तो जो लो कॉस्ट अल्टकॉइन रहेगा उसको मैं परचेस कर सकता हूँ और जब वो अब जाएंगे तो मेरा बिटकॉइन यहां पर मल्टीप्लाई होगा। देखिए सतोशी पेयर में ट्रेड करने के अपना फायदा भी ये होता है कि जब भी मार्केट बुल रन में रहता है तो उसमें फायदा ये मिलता है कि देखिए एक तो मैंने एग्जाम्पल के लिए $1,000 मैंने लाया हूं, $1,000 को मैंने कन्वर्ट कर दिया बिटकॉइन के अंदर। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ, जिस टाइम मैंने इसको बिटकॉइन में कन्वर्ट किया उस टाइम बिटकॉइन का प्राइस था तकरीबन आपका $10,000, समझाने के लिए बता रहा हूं। मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया अल्टकॉइन के अंदर, ओके, मैंने अपना जो $1,000 का सतोशी परचेस किया था, लेट्स से एग्जाम्पल मैंने परचेस किया था 0.1 सतोशी। अब मैं ये जो परचेस किया हूं इसको जब मैं ट्रेड कर रहा हूं, लेट्स से एग्जाम्पल मेरा 100% प्रॉफिट यहां पर हो गया, मतलब मेरे पास 0.20 BTC हो गया और एक्चुअल बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ के $10,000 से $20,000 हो गया, तो यहां पर तो मेरा डबल बेनिफिट हो गया। कैसे? एक तो मेरा बिटकॉइन का प्राइस भी इंक्रीज हो गया तो उसकी जो वैल्यू रहेगा मेरे करेंसी के हिसाब से, जो भी नेटिव करेंसी आप यूज कर रहे हो उसके हिसाब से वो बढ़ जाएगा। सेकंड, मैंने जो अल्टकॉइन में ट्रेड करके बिटकॉइन को इंक्रीज किया हूं उसका मेरे को डबल बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन इसके अगेंस्ट इसका नुकसान तब होता है कि जब मार्केट बियर ट्रेंड में रहता है, जब बिटकॉइन गिरता रहता है, तो उस टाइम कहीं ना कहीं सतोशी पेयर में ट्रेड करना सेफ नहीं होता है। इन शॉर्ट यही बोलने का मकसद है कि जब भी मार्केट बुल रन में रहेगा उस टाइम आप बीटीसी पेयर में ही ट्रेड करो, यानी आपको जो भी डॉलर है उसको कन्वर्ट कर दो बीटीसी पेयर के अंदर और ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। इसके अंदर फायदा ये रहेगा जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस भी बढ़ेगा आपका इनिशियल वैल्यू जो रहेगा वो भी इंक्रीज होगी, प्लस आप बीटीसी से जो अल्टकॉइन को ट्रेड करेंगे वो भी आपके मल्टीप्लाई होते रहेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि यूएसडीटी पेयर यानी जो स्टेबल करेंसी है उसमें ट्रेड करना नुकसानदायक है? बिल्कुल नहीं। बहुत से लोग मार्केट में टेम्पररी आते हैं, उनका मेन मकसद ये होता है कि भाई मैं जितना पैसा लेकर आया हूं वो पैसा मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, एक स्टेबल एनवायरमेंटल प्रॉफिट चाहता है। तो उसके लिए प्रेफर मैं यही करूंगा भाई तू यूएसडीटी में ही ट्रेड करूं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, बिटकॉइन चाहे अप जाए या डाउन जाए उसका जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगा, जितना उसने इनिशियल कैपिटल लेकर आया वो स्टेबल रहेगा। तो मैं आप सभी को रिकमेंड तो यही करूंगा कि आप बेसिकली बीटीसी पेयर में ट्रेड करो जब आपका मार्केट टोटली बुलिश रहे या बुल रन में है। लेकिन जिस टाइम भी आपका मार्केट आपको कंफर्म नहीं है कि भाई मैं अभी बिल्कुल पता ही नहीं कि मार्केट एक्चुअल में बुल रन में है या नहीं है, तो उस टाइम बेसिकली आप यूएसडीटी पेयर में ट्रेड कर सकते हो। देखिए एट द एंड बंदा चाहता क्या है कि उसको भाई प्रॉफिट हो, अगर वो बीटीसी पेयर में ट्रेड करेगा उसका प्रॉफिट ज्यादा रहेगा क्योंकि बीटीसी प्राइस भी इंक्रीज होगा, वो भी चीजें बढ़ती रहेंगी। लेकिन पिछले बुल रन से, ये जो 2021 का बुल रन गुजरा है उसके अंदर एक चीज मैंने नोटिस किया वो ये है कि भाई जितने भी अल्टकॉइन सतोशी पेयर के थे वो मूवमेंट नहीं किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी अभी हमको माइंड में रखनी होंगी कि अगर हम प्रॉफिट करना चाहते हैं तो हमको चीजों को स्प्लिट करना होगा। वो कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 1 बिटकॉइन का वैल्यू है, ओके, जो भी एक्स वाई जेड डॉलर के प्राइस के हिसाब से, तो मैं उसको 50% यूएसडीटी में रखूंगा अगर मैं डेली ट्रेड करता हूं तो, और 50% सतोशी में रखूंगा।
इसका फायदा क्या रहेगा? इसका फायदा ये रहेगा कि अगर बिटकॉइन का प्राइस इंक्रीज होगा तो मेरा जो वैल्यू ऑफ सतोशी रहेगा वो भी इंक्रीज रहेगा। लेकिन अगर मेरे को डेली ट्रेड के अंदर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको हमेशा बीटीसी पैर में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यूएसडीटी पैर में भी मिलेगी। अगर बिटकॉइन बहुत तेजी से पंप करता है तो यूएसडीटी भी कम समटाइम्स मूवमेंट लेता है, लेकिन सतोशी पैर मूवमेंट कभी कभार नहीं भी लेते हैं। तो इसी वजह से अभी का जो बुलरन सिनेरियो रहने वाला है तो उसके अंदर आपको पहले तो डिसाइड करना होगा आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो या शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो तो भाई बिटकॉइन के रहकर ही ट्रेड करो, लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट जो कैलकुलेशन रहेगा वो दोनों पैर को मैश करते हुए चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा मैंने देखा हो कि सतोशी पैर अभी ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं बुल रन के अंदर अगेंस्ट यूएसडीटी, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन बहुत ज्यादा हायर हाई जाते रह रहे हैं। तो भाई दोनों पैर अपने हिसाब से सही है, दोनों पैर के अंदर एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है, दोनों के अंदर अपने अपने फायदे नुकसान है। अब वो डिसाइड आपको करना है कि आप किस हिसाब से किस सोच से मार्केट में एंट्री ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंट्री ले रहे हो या शॉर्ट टर्म के हिसाब से एंट्री ले रहे हो। अगर आपका मेन पर्पस बिटकॉइन को इंक्रीज करना है देन फुल गो ऑन सतोशी। अगर आपका मेन पर्पस ये है कि नहीं भाई मेरे को बिटकॉइन को नहीं अपना कैपिटल को इंक्रीज करना है तो फिर आप 50-50 कर लो, इसको 50 सतोशी में डाल दो 50 इसमें डाल दो। अगर बुलरन में मार्केट रहेगा तो सतोशी के हिसाब से वैल्यू बढ़ते रहेगा। और लेकिन ट्रेड करने का तो हमको भाई अगर मैं एक रियल बात करूँ ना तो यूएसडीटी पेयर में अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है और मार्केट भी अच्छा जाता है। लेकिन वही चीज है, दोनों में एक वक्त के हिसाब से आपको चीजें समझ में आएंगी। जिस वक्त आपका बिटकॉइन स्टेबल रहेगा तो सतोशी वाले पैर अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएंगे, जिस वक्त आपका बिटकॉइन डाउन जाएगा सतोशी वाले पैर भी डाउन जाएंगे। मतलब जब बिटकॉइन स्टेबल होता है सतोशी वाले पैर अप जाने का चांसेस ज्यादा रहेगा, बिटकॉइन जब पंप लेता है तो वहां पर यूएसडीटी वाले जो पैर रहते हैं वो भी उसके साथ कोरिलेट करते करते अप जाते हैं। तो ये इन शॉर्ट सिनेरियो है, अब डिसाइड आपको करना है कि आप कौन से पैर में ट्रेड करना चाहती हूँ। तो गाइस फिलहाल वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे अगले वीडियो में। कुछ अगर आपको डाउट्स और चीजों के अंदर आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो, कोशिश करूंगा उसको मैं अपने तरीके से समझा सकूं। और फिलहाल को वीडियो को यहाँ पर एंड करना चाहूंगा, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक अपने ख्याल रखिए एंड जय हिंद।